हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोहा फ्राई बनाने वाले हैं। इसे बंगाली में चिड़े भाजा भी कहा जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसे बनाने में। फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल डाल दें और तेल को गर्म होने दें। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें पोहा डाल दें। पोहा यहाँ पर हमने 1 कप इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पोहा डाल दिया है। तुरंत ही फ्राई हो गया है ये। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। इसे फटाफट निकाल लें। इसे टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकल जाए। देखिए, हमने यहाँ पर इसे निकाल लिया है। जो तेल बच गया है इसमें हम मूंगफली फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे इस मूंगफली को भून लेंगे। मूंगफली भूनने में 2 से 3 मिनट लग जाता है। देखिए, हमने यहाँ पर मूंगफली को फ्राई कर लिया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी काजू डाल रही हूँ। आपको अगर काजू नहीं चाहिए तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। काजू को भी तुरंत ही निकाल लीजिएगा। काजू फ्राई करने में टाइम नहीं लगती है, तुरंत ही जल जाती है, इसीलिए इसे 1 मिनट भी नहीं लगता है। देखिए, हमने यहाँ पर काजू को भी फ्राई कर लिया है। इसे निकाल लेते हैं। अब तेल को हम लोग हटा लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर तेल को हटा लिया है। गैस का फ्लेम हमारा ऑफ है। अब कढ़ाई में हम फ्राई किया हुआ पोहा, मूँगफली, काजू, किशमिश भी आप डाल सकते हैं। डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं चनाचूर डाल रही हूँ। इसे हिंदी में शायद नमकीन कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम। तो चनाचूर आप डाल सकते हैं और थोड़ी सी नमक डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर गैस को ऑफ ही रखा है। देखिए, हमने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम उतार लेंगे। फिर से इसे हम लोग टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए, हमारा फटाफट बनकर तैयार होने वाली स्नैक्स रेडी है। चाय के साथ या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं। इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आप अगर इसे थोड़ा मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा अगर तीखा चाहते हैं तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। आप इसे फटाफट 5 मिनट के अंदर ही इसे रेडी कर सकते हैं। तो इस पोहा फ्राई को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और बताइए कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर से कोई नई रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।